Radhe भगवान भी चित है। चित माने चेतन, और हम भी चित हैं माने चेतन। अरे यही तो हमारा कमाल है, जीवत्व क्या, चेतना बस। इस जड़ माया में और हम में क्या अंतर है? वो जड़ है, मैं चेतन हूं। हमारे हाथ पैर आंख नाक सब काम करते हैं, जड़ वस्तु के कुछ नहीं है। हम स्वयं चैतन्य हैं, और जहां रहते हैं उसको भी चैतन्य बना देते हैं। तो ये भगवान में हम में बराबरी है। वो महाचेतन है, हम लघु चेतन है, अलग बात है। एक के पर्स में 1 करोड़ है, एक के पर्स में 10 रुपया है, गरीब है तो पर्स। एक का घर 80 अरब का है, एक का घर 2000 का है तो वो घर घर कहलाएगा। तो वो चेतना चेतना नाम, वो चेतनों का महाचेतन है। ठीक, जाति तो एक है ना, एक पेड़ होता है आम का, आप लोग खाते हैं, एक पेड़ होता है बबूल का, कांटे कांटे होते हैं। अरे एक ही पेड़ में देखो, गुलाब का पेड़ कितना बढ़िया फूल, बड़े बड़े राजा महाराजा कोट में लगाए रहते हैं उसको, और उसी गुलाब में कांटा होता है, अगर सावधान होकर के न फूल तोड़ो तो वो कर दे, ब्लीडिंग शुरू हो जाए। दो विरोधी चीज एक पेड़ में है। और नंबर 2, भगवान नित्य है। मैंने कई वेद मंत्रों के द्वारा बताया है, भगवान नित्य है और हम भी नित्य हैं। नमैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सनातन हैं। गीता 15:7, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमावृत्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोः मक्षरादपि चोत्तमः। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, यो मामेव मसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्, स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत,
इति गुह्यतमं शास्त्रम गीता 15-16, 15-17, 15-18, 15-19, 15-20। तो हम नित्य कंपटीशन में भगवान बड़े नहीं हो सकते, जीत नहीं सकते। आज भगवान भी आज, हम भी आज, न वो मरते हैं न हम मर सकते हैं, न जीवो म्रियते छांदोग्योपनिषद 6:11-3। न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्यः वेदांत 2:3-18। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण कठोपनिषद 1:2-18। ये गीता में भी है 2:20। भरा पड़ा है तुम्हारा, हम नित्य हैं, भगवान भी नित्य है, हमसे वो सीनियर नहीं लेकिन बाप है। आप लोगों को आश्चर्य होगा ये कैसी पहेली है। गुरु भाई वारुण ही वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म। वरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास गए, वो ब्रह्मज्ञानी थे। ने कहा पिताजी ये ब्रह्म क्या होता है, क्या पहचान है उसकी। उन्होंने कहा बेटा बहुत सारी पहचान है उनकी लेकिन एक सुन ले। क्या? ये तो वायमानि भूतानि जायन्ते अनंत जीव जिससे पैदा होते हैं। ए, पैदा होते ए, मैं पैदा वैदा नहीं होता, मैं तो आज हूं। बेट कह रहा है 3:1 तैत्तरीयोपनिषद अमृतस्य वै पुत्रा, सब उसके पुत्र हैं, वो पिता है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुरित गति। सुबालोपनिषद 6:4 गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुरित प्रभव प्रलय स्थानम 9:18 गीता। वो हमारा पिता है, माता है, सब कुछ है लेकिन सीनियर नहीं। फिर वही बात है? तो ये विरोधाभास भगवान का स्वाभाविक है। अनंत कर्म करते हुए अनंतश्चात्मा विश्वरूप यह करता, वो अकर्ता कहलाते हैं। मैं कुछ नहीं करता, मैं क्यों करूं। अरे क्यों करूं बताओ ना। कोई भी आदमी कुछ करता है तो क्यों करता है, कुछ पाना होता है तो करता है। मुझे तो कुछ पाना नहीं। नानवाप्तम अवाप्तव्यम,
कस्य कार्यम न विद्यते। सब शास्त्र वेद चिल्ला रहे हैं भगवत प्राप्ति के बाद महापुरुष का ही कुछ कार्य नहीं रहता, भगवान का क्या होगा। तो भगवान नित्य है, हम नित्य है, पिता इसलिए हम कहते हैं उसको कि हम उसके अंश हैं। इसीलिए भागवत ने भी कहा, कपिल भगवान ने, तेषाम अहम् प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम्। मैं जीवों का सब कुछ हूं, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। लक्ष्मण ने कहा था, अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्षये, भ्राता वर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। लो राघव मेरे बाप हैं। और झापड़ लगा देता अगर संसार में कोई बड़ा भाई से ऐसे छोटा भाई कहता तो, चौबे हमको बाप कहता है, उसको पागल हो गया है क्या। मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तू मुझे बाप कहता है। लेकिन राम बड़े मुस्कुराते रहे, हाँ मैं तो तेरा बाप हूं, ठीक तू ठीक कहता है लक्ष्मण। वेदांत की ओर चलो। वेदांत क्या कहता है? वेदांत ने कहा, अंशो नाना व्यपदेशात्, ये समस्त जीव भगवान के अंश हैं। क्यों? नाना व्यपदेशात्, हमारे नाना संबंध हैं उनसे, इसलिए अंश है। जैसे एक पेड़ है, उसकी डाले हैं, उपशाखाएं हैं, पत्र है, पुष्प है, फल है, ये सब पुत्र हैं उनके, अंश हैं उनके पेड़ के। ऐसे ही वो महाचेतन, उसके हम अंश हैं। जैसे सूर्य उसकी किरण, और इसकी सिद्धि में और कई और वेदांत सूत्र बना दिए, मंत्र वर्णाच प्रकाशादिवत नैवं परः स्मरन्ति च, 2342, 2343, 2344, 2345, सब जीव भगवान के अंश हैं। तो भेद हो गया ना, अंश और अंशी का भेद है। एक प्रश्न फिर आया कि क्यों जिस जीव के बारे में बड़ा झगड़ा चलता है हमारे देश में, धार्मिक जगत में, एक कहता है सर्वव्यापक होता है जीव, नंबर दो, दूसरे मतावलंबी कहते हैं नहीं, जितना बड़ा शरीर होता है उतना बड़ा होता है जीव, और एक कहते हैं नहीं नहीं जी, जीव तो इतना छोटा होता है जितनी छोटी कल्पना आप नहीं कर सकते मन से, सूक्ष्माणाम अप्यहम जीवः।
इस पर विचार करना चाहिए। वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि जीव अणु है, माने सूक्ष्म है। अणु प्रमाणात् कठोपनिषद 1:2:8 एषोणुरात्मा मुंडकोपनिषद 3:1:9 बालाग्र शतभागस्य सतधा कल्पितस्य च जीवो भागो जीवस्य विज्ञेयः सचानंत्याय कल्पते श्वेताश्चतुरोपनिषद 5:9। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव अत्यंत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि दुनिया का कोई यंत्र, कोई दूरबीन नहीं देख सकती। वेदांत ने क्या कहा? हाँ हाँ हाँ, अरे जो वेद कह रहा है वही मैं भी कहूंगा भाई। क्या? जीव सूक्ष्म होता है। दूसरे साहब बोले, क्यों जी, अगर जीव सूक्ष्म होता है तो सारे शरीर में चेतना क्यों है? हम नहीं मानते। शरीर के बराबर होता है जीव, ऐसा बोलो, क्योंकि कहीं भी सुई चुभो दर्द होता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर जीव सूक्ष्म होता तो जहां पर होता वहीं पर दर्द होता, बाकी जगह जड़ रहता। लेकिन सब जगह चेतन है। एवं च आत्मा अकार्ष्ण्यम्, इसका भी खंडन किया। न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्य अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषा 2:32, 2:33, 2:34 वेदांत। क्यों जी, अगर शरीर के बराबर जीवात्मा है तो हाथी का जीवात्मा हाथी के बराबर होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर जब हाथी दूसरे जन्म में चींटी बनेगा तो इतनी बड़ी जीवात्मा चींटी में कैसे समाएगी? हाँ ये बात तो ठीक है। वो इतनी बड़ी आत्मा चींटी के शरीर में जब घुसेगी तो उसका शरीर तो फट फटा जाएगा, वो समाएगा ही नहीं। और चींटी अगर हाथी बना तो उसकी छोटी सी आत्मा इतने बड़े हाथी में कहीं एक छोटी सी जगह में रहेगी, बाकी जगह हाथी का जड़ रहेगा बिचारे का। इसलिए शरीर के बराबर जीव है ये गलत। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात्, उभय नित्यत्वात्, जैसे जीव पहले रहता है वैसे ही सदा रहता है। प्रह्लाद ने 12 गुण बताए हैं जीव के। आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एका क्षेत्रज्ञ आश्रय अभिक्रिया स्वदृढ़ेतुर व्यापको संज्ञानावृता। वो आदि में अंत में बीच में सदा एक सा रहता है, घटता बढ़ता नहीं। घटने बढ़ने वाला तो नश्वर होता है, वो तो नित्य है। जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो अविनाशी है, नित्य है। और सुनो, वेदांत ने कहा अभी कुछ कम बैठा होगा, उत्क्रांति गत्यागति नाम, जीव मरने के बाद निकल कर जाता है, कौशिक की उपनिषद कहती है, सयदास्मा शरीरा दुत्क्रामति सहाय वैतई सर्वयुरुत्क्रामति, तीन चार, ये वही के अस्मान लोका प्रयंति ते सर्वे चंद्रमस में गच्छन्ति, कौशिक की उपनिषद एक दो। जीव शरीर से निकलता है, नंबर दो ऊपर को जाता है चंद्रलोक होकर। अगर सर्वव्यापक होती जीवात्मा तो लीन हो जाती, जैसे एक घड़ा है, वो घड़े के अंदर जो आकाश है, घड़ा को फोड़ दो तो बड़े आकाश में मिल गया, वही कहां जाएगा, आना जाना तो एक अलग वस्तु का होता है, विभू का नहीं होता। और यही नहीं, तस्माल लोकात पुनरे तस्मय लोकाय कर्मणे, फिर लौट के आता है। हेलो, क्रांति गति आगति, लौट के आता है। बृहदारण्य को उपनिषद 4-4-6, ये सब वेदांत कहता है कि ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि उसकी उत्क्रांति है, गति है, आगति है, तो वो सर्व व्यापक कैसे बोलते हो?